नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों फिलहाल हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वाइन बेस के बारे में, और एक अच्छा अपडेट है, एक ज़रूरी अपडेट था तो मुझे लगा आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहिए। और दोस्तों जो अपडेट है वो ये है कि क्वाइन बेस आने वाले टाइम पर ऐड करने वाला है ERC-20 टोकन्स को। अभी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो क्वाइन बेस में आपको 4 क्वाइंस का सपोर्ट देखने को मिलता है, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, लाइट क्वाइन। तो अभी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये भी ERC-20 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं आपके ऊपर बता दूं कि क्वाइन बेस ने फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोली कि कब तक आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा और कौन से टोकन्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ गेसेस किए जा सकते हैं कि कौन से क्वाइन यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं क्वाइन बेस के द्वारा, एक स्पेकुलेशन की जा सकती है। अगर अभी आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि ERC-20 टोकन्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर शॉर्ट में कि जो भी टोकन्स यहाँ पर बेस्ड हैं इथेरियम प्लेटफॉर्म पर, वो सारे टोकन्स यहाँ पर कहलाते हैं ERC-20 टोकन्स। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा गेस कर लेते हैं, एक स्पेकुलेशन यहाँ पर की जा सकती है कि कौन से टोकन यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला टोकन तो आता है जो बनता है EOS, जो कि बेसिकली टॉप 10 में है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी हो सकती है क्वाइन बेस की कि जो टॉप 10 में है उसको यहाँ पर ऐड किया जाए। और फिलहाल यहाँ पर ट्रॉन ने भी काफ़ी पॉपुलरिटी गेन की है और अराउंड यहाँ पर टॉप 13 में चल रहा है, 13वें नंबर पर है यहाँ पर, तो इसको भी ऐड किया जा सकता है। अभी टेस्ट नेट वाली जो उसकी बात चल रही है इससे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलरिटी गेन किया, थोड़ा सा बाउंस भी काफ़ी ज़्यादा किया था ये अभी पिछले कुछ टाइम पर। अब दोस्तों यहाँ पर एक और टोकन हो सकता है ओमीजेगो, जो कि अभी काफ़ी पॉपुलर होता रहा है पिछले टाइम पर, और विटैलिक बुटिन भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं ओमीजेगो का। तो एक यहाँ पर टोकन ये भी निकल कर आता है, हो सकता है कि ये भी एनुअल टाइम पर ऐड हो जाए क्वाइन बेस पर। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं फिर भी कंफर्म कर दूं कि अभी यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, एक यहाँ पर सिंपल सा एक गेस है इस चीज़ को लेकर कि भाई इनको ऐड किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पार्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्वाइन बेस में ऐड होने का मतलब है काफ़ी बड़ा बिजनेस मिल जाना किसी भी क्वाइन को या फिर टोकन को। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ र्यूमर उठी थी कि भाई रिपल को ऐड करने वाला है क्वाइन बेस अपने प्लेटफॉर्म में, और अचानक से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेन हुआ था रिपल पर। और जब यहाँ पर क्वाइन बेस ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि भाई यहाँ पर अभी इसका कोई भी प्लान नहीं है रिपल XRP को ऐड करने का अपने प्लेटफॉर्म में, तो काफ़ी तेज़ी से प्राइस गिरा भी था। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर चांसेज हैं टोकन्स के और ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़ने के। तो एक अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है इन टोकन्स के लिए, ERC-20 टोकन्स के लिए। लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये देखने वाली बात होगी कि कौन से क्वाइन यहाँ पर ऐड किए जाते हैं क्वाइन बेस के द्वारा। अब दोस्तों एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है कि क्वाइन बेस में आखिर इतने कम टोकन क्यों देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीधी सी बात निकल कर आती है कि यहाँ पर ये चलता है US रेगुलेशन के हिसाब से, और इसका कहना है कि यहाँ पर बहुत सोच समझ के अपने क्वाइंस और टोकन्स वगैरह ऐड करता रहा है अपनी लिस्ट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कायदे से और काफ़ी मतलब रेगुलेशन के हिसाब से बढ़ा ही आगे, और इसी हिसाब से यहाँ पर ही आगे वाले जो टोकन्स हैं ऐड करने की बात यहाँ पर कर रहा है, सो दैट यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन वाले इशू इसके सामने आने ना पाए। और दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे इस बारे में आपके ऊपर देता रहूँगा कि और दोस्तों साथ ही आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको क्विक अपडेट देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्विक अपडेट के लिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों साथ ही यहां पर लाइक ज़रूर कर लें अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो सपोर्टिव लगा हो, और साथ ही इसको शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक भी पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट्स के साथ।